तो उन्होंने ही मुझे एमसीए करने की सलाह दी थी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में इंजीनियरिंग करना चाहता था। फिर mysurgery.com, उनसे तो मुझे बहुत हेल्प मिला। सरस सर की जो क्लासेस चलती थी, उनके ट्रिक्स इतने अच्छे लगते थे कि अब करना है तो इनसे ही करना है, नहीं तो और कहीं नहीं करना है। चलिए एक और निमसेट के नए टॉपर से मिलते हैं, रवि शाह से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 261 है, जो कि पटना बिहार से हैं और इन्होंने इम्पीटस गुरुकुल में साल भर क्लास पढ़ाई करी है। तो रवि, सबसे पहले तो आपको एनआईटी कुरुक्षेत्र अलॉट हुआ, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो रवि, आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी है निमसेट को लेके, फिर अवेयरनेस को लेके, मैं चाहूंगा वो आपकी सक्सेस की को डिटेल में बताएं। माई सेल्फ रवि शाह है, मैं बिहार पटना से हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पटना से ही आर के बिजनेस कॉलेज से किया है। जब मैं अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहा था तो मुझे एमसीए को लेकर इतना जानकारी नहीं था, तो मेरे भैया जो कि पास में ही रहते हैं, उन वो बीसीए की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उन्होंने ही मुझे एमसीए करने की सलाह दी थी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में इंजीनियरिंग करना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश मैं 11th 12th में नहीं कर पाया। तो धीरे धीरे मैंने एक्सपीरियंस यूट्यूब से, फिर सर का वीडियो देखा, धीरे 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 जानकारी एमसीए को लेकर जुटानी शुरू की। स्टार्टिंग में तो इसको लेकर इतना ज़्यादा जानकारी नहीं होने की वजह से नॉर्मली मैं और भी मेरे जितने भी फ्रेंड थे वो सब तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही सब मूव कर रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी उस तरफ ही चला जाऊँगा, क्योंकि बिहार में ये कॉमन होता है गवर्नमेंट जॉब करना। बट एट अ टाइम मुझे एक सही डायरेक्शन जो बीसीए कर रहे थे भैया उनसे मिला। उन्होंने कहा कि एमसीए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, तुम उसके बारे में जानकारी जुटाओ और जो भी प्रॉब्लम होगी तुम मुझसे बात करना, मैं उसके बारे में तुम्हें धीरे धीरे बताता चला जाऊँगा। तो इस तरह करके धीरे धीरे मैंने YouTube से जानकारी जुटाई, फिर उसके बाद सर सर के वीडियो देखा मैंने, और भी फिर mysurgery.com, उनसे तो मुझे बहुत हेल्प मिला सौरभ सर से, फिर नुपुर दी उनका भी वीडियो जब mysurgery.com पे आया तो उससे मुझे काफ़ी इंस्पायरेशन मिला, काफ़ी मोटिवेट मिला, और फिर मैंने भी कहा कि मुझे यहीं एमसीए करना है। और सरस सर की जो क्लासेस चलती थी उनके ट्रिक्स इतने अच्छे लगते थे कि मुझे लगा कि अब करना है तो इनसे ही करना है, नहीं तो और कहीं नहीं करना है। तो मैंने स्टार्टिंग में ऑनलाइन क्लासेस किया था कुछ समय, लेकिन उतना कंफर्ट नहीं हो पा रहा था, सही से रेगुलर बेसिस पर पढ़ाई नहीं कर पाता था, तो मैंने ऑफलाइन क्लासेस नवंबर के आसपास ज्वाइन किया। फिर उसके बाद यहाँ पे आके भी थोड़ा सा डर तो लगता था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनके रैंक स्टार्टिंग में बहुत अच्छे आते थे, बट फिर धीरे धीरे सर से बात हुई, सर ने बोला कि धीरे 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 इम्प्रूवमेंट आएगा तुम्हारे में। मैथ को लेके इतना डर तो नहीं था, एवरेज बच्चा तो मैं था स्टार्टिंग से ही, लेकिन रीजनिंग को लेके, कंप्यूटर को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम होता था स्टार्टिंग में, आदत नहीं था, कभी किया नहीं था रीजनिंग को लेके, कंप्यूटर को लेके। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से सरस सर, प्रतीक सर, जिस तरह से सपोर्ट मिला, वो एक अलग ही आपको मोटिवेट करते थे। सरस सर हमेशा ही मोटिवेट किया उन्होंने, जिसके कारण धीरे धीरे हमारी भी रैंकिंग में सुधार आना शुरू हुआ मॉक टेस्ट में, और इस तरह कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ अंदर में कि हाँ मैं भी अच्छा रैंक ला सकता हूँ, एक अच्छे कॉलेज मैं भी ला सकता हूँ। बिल्कुल सही बोला रवि ने। देखिए रवि ने बोला, एक तो पहले तो पता ही नहीं था, बिहार में ऐसा बहुत कॉमन होता है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग जाते हैं, फिर गाइडेंस मिला, प्रॉपर पढ़ाई की। और देखिए क्या होता है कि इम्पीटस गुरुकुल में ऑनलाइन लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, क्लासरूम, जिस प्रोग्राम से जुड़े आप जिसमें कंफर्ट फील करते हो, जैसे कई बच्चों ने ऑनलाइन में इतना टॉप रिजल्ट दिया, इनको ऑनलाइन में क्योंकि कमिटमेंट नहीं आ पा रहा था तो इन्होंने क्लासरूम में आके पढ़ाई की। तो रवि, आपका जो एक्सपीरियंस रहा इम्पीटस का वो भी बताओ, और आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले तो ये जो रैंक आई है
सरस सर और प्रतीक सर और जितनी भी इम्पिटस की टीम है उनके बिना ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता था। इनका गाइड करना, मोटिवेट करना सर का एक अलग ही लेवल आपके अंदर बूस्ट होता था, जिसके अंदर आपको जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है ना तो आप बड़ी सी बड़ी चीज़ भी है ना बहुत आराम से कर जाते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी मॉक को इतना एनालिसिस को इतना वैल्यू नहीं देता था, कभी मन किया तो किया क्योंकि जो गलत होते थे उसे तो मैं देख लेता था लेकिन जो सही होते थे उसे नहीं देखता था। लेकिन सर हमेशा इस चीज़ को बोलते थे कि आपने जो किया है उसे भी देखो ताकि जो कॉम्पिटिशन है उसमें आपको ट्रिक्स तो चाहिए ही, साथ ही साथ कम से कम समय में वो चीज़ हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है। तो किसी भी क्वेश्चन को बार बार करने से आपको कॉन्फिडेंस भी आता है और आपको दो तीन तरीके भी समझ में आते हैं कि आपको किस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। उसने मुझे बहुत फ़ायदा दिया। और ऑफ कोर्स जब मैं ऑफलाइन क्लासेस आया था तो मैं हमारे ग्रुप्स भी बने थे, मैं था, विकास, विवेक, विद्या, इनके कारण हम लोग के बीच हमेशा कॉम्पिटिशन होती रहती थी लेकिन किसी को अंदर से पता नहीं चलता था क्योंकि लोग सब छुपाए हुए रहते थे, लेकिन अंदर से कॉम्पिटिशन से सबका होता था। हम लोग हमेशा ही अपने जितने भी नंबर आते थे, रैंक आते थे, वो अपने शेयर भी करते थे और कोशिश करते थे कि जब भी मॉक होगा तो हम उनसे अच्छा करेंगे, उनसे सीखेंगे, जो गलतियां हैं उसे दोहराएंगे नहीं। और इस चीज़ ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया। ऑफ कोर्स 2023-2024 में जो भी निमसेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप किसी एक बुक को या फिर सर का जो सिलेबस है वो भी काफ़ी है, उसे बार बार कीजिए। क्योंकि मैंने सिलेबस किया था, जो भी सर का सेल्फ स्कोरर था वो मैंने एक बार किया, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से किया था और जितने भी क्वेश्चन होते थे उसकी प्रैक्टिस मैंने बहुत किया है। ऐसा नहीं था कि मैंने तीन चार बुक एक साथ ले लिया, क्योंकि स्टार्टिंग में तो लगता था कि आरजी शर्मा ऑब्जेक्टिव नहीं करूँगा तो शायद रिजल्ट नहीं आएगा या अच्छे कॉलेज नहीं आएंगे, ये चीज़ करूँगा, एक बुक करूँगा तो पता नहीं रिजल्ट ख़राब नहीं आ जाए। एक दो महीने के बाद ये सब चीज़ को मैंने छोड़ दिया क्योंकि इससे प्रेशर आप पे बढ़ता है बहुत ज़्यादा, ज़्यादा बुक करने से आप पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है। तो मैंने प्रतीक सर से बात किया, सर सर से बात किया, सर सर ने कहा कि एक ही चीज़ करो, एक ही बुक करो लेकिन उसे अच्छे से करो। तो मैंने सर की बातें सुनी, एक ही बुक को मैं काफ़ी अच्छे से करता था, उसके हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखता था। मैं भी यही सलाह दूंगा जितने भी 2023-2024 जो भी आगे निमसेट की जो तैयारी कर रहे हैं, हमेशा मॉक जो टेस्ट होते हैं उनका अच्छे से एनालिसिस कीजिए। क्योंकि आप एक बुक कर लेते हैं जिससे आपका बेसिक बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, कोशिश कीजिए सबसे पहले बेसिक अपने, जो भी बेसिक आपकी कमज़ोर है उसे बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कीजिए। उस जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं उसको बहुत बारीकी से समझिए कि आखिर वो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, और इस तरह करके आप टेस्ट में जो रैंक होते हैं उसको तो इम्प्रूव कीजिएगा। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आप बड़ी से बड़ी चीज़ों को भी बहुत आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल सही बोला रवि ने, आप सब लोग बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो और अच्छे से पढ़ाई करो, मोटिवेट रहो हमेशा हमेशा। और एक बात हमेशा याद रखिए कि ज़्यादा सॉल्व करने की जगह जो सॉल्व कर रहे हो उसको ज़्यादा बार सॉल्व करो, बस इस बात को ध्यान रखो। तो चलो रवि, एक बार आपको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, वैसे कुरुक्षेत्र में आप अच्छा करो। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत योगदान रहा है सर इस सफर में। थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।